छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक जवान के अपहरण का एक अजीब सा वाकया सामने आया, जिसमें नक्सलियों ने पुलिस के जवान को छोड़ तो दिया मगर जान बचाने के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ने की शर्त सामने रख दी। दरअसल बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में पुलिस आरक्षक के पद पर तैनात संतोष कट्टनम 4 मई को गोरना गांव में मेला देखने गए थे, जहां नक्सलियों ने मौका पाकर उनका अपहरण कर लिया। नक्सली जवान की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने गढ़ लेकर गए, जहां जवान संतोष कट्टनम को 6 दिन तक रखा गया। संतोष की पत्नी सावित्री अपने पति की जान बचाने दर दर भटकती रही। इस दौरान बीजापुर के कुछ पत्रकार संतोष की रिहाई के लिए आगे आए और उन्हें खबर मिली कि सोमवार को नक्सली संतोष को सजा देने जन अदालत लगा रहे हैं। फिर क्या था, नक्सलियों के गढ़ में लगी इस जन अदालत में पत्रकारों के साथ सावित्री भी पहुंच गई। उनके साथ उनकी 10 साल की बेटी भी थी। सावित्री ने नक्सलियों से अपने पति की जान की गुहार लगाई और आखिर नक्सलियों ने संतोष से पुलिस की नौकरी छोड़ने का वादा लेते हुए उसे रिहा कर दिया। 4 तारीख की बात है, मंगलवार के, मैं उस दिन गोरना का मेला था, मेरे को संडे को खबर मिला था, तो मैं वहाँ से थोड़ा माता जी का दर्शन वास्ते अपने से किसी को भी ना बताए, मतलब श्रद्धा इस हिसाब से मैं नारियल को अगरबत्ती लेके आया हुआ था। मेरे को जानकारी नहीं था ऐसा होगा बोल के। वहाँ आने के बाद एक आदमी को लेके आया था साथ में नया पारा से, और जब वहाँ पहुँचा उसका पूजा वूजा होने के बाद अचानक किसी को शक हुआ शायद, तो उन्होंने मेरे से हाथ उत मिला, उसके बाद चेक किया तो मेरे उसमें आइडेंटिटी कार्ड मिल गया डिक्की में, और प्लस ये बार एड्रेस रह गया था, इस वजह से उन्होंने बाद में कन्फर्म करने के लिए मेरे को पकड़ा। तो इतने दिन तक माओवादी आपको अपने साथ रखे थे, इस दौरान क्या आपके साथ मारपीट किए या ऐसा कोई भी घटना को अंजाम दिए क्या आपके साथ? ऐसा बिल्कुल नहीं, जो इन्होंने एकदम घर टाइप का अपना छोटा भाई टाइप का व्यवहार किया, बस इन्होंने इतना कहा कि जो नियम अपना रहता है उतना रहेगा, बस भैया आप इधर उधर भागने की कोशिश मत करना, आप सही हो, आप जो भी पूछा जाएगा उतना का सिर्फ बताएं। बता दें कि नक्सलियों की इस जन अदालत में आसपास के गांव से 1,500 से भी ज्यादा ग्रामीण पहुंचे हुए थे। इस पूरे अपहरण की घटना को नक्सलियों की गंगालूर एरिया कमेटी ने अंजाम दिया था। नक्सली नेता दिनेश मोडियाम ने कहा कि आरक्षक संतोष अब पुलिस की नौकरी छोड़ खेतीबाड़ी कर जीवन यापन करें। वो अपना घर द्वार खेतीबाड़ी करके स्वयं सुख जीवन से जिए। जो जवान का जो अपहरण किए थे, हमेशा एक आरोप लगता है कि पुलिस वाले आके प्रताड़ित करते हैं यहाँ पर, वो किस प्रकार का प्रताड़ना करते हैं? पुलिस वाले जनता को जनता को पुलिस वाले आके प्रताड़ना करते हैं कि असली संविधान जिस तरह है उसका पालन ना करते हुए यहाँ पर जनता को बेकसूर आदिवासियों को प्रताड़ना करना बंद कर। किसी पुलिस के जवान का यूं अपहरण कर लेना और उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर देना कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। बीजापुर से न्यूज के लिए भोजेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।